दोस्तों आज बात करेंगे डिजिटल राशन कार्ड प्रिंट 2020 के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि सीएससी के माध्यम से डिजिटल राशन कार्ड प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिलहाल ये ऑल इंडिया में अभी हर एक स्टेट के लिए नहीं हुआ है, मात्र ये हिमाचल प्रदेश के लिए स्टार्ट हुए सीएससी के माध्यम से आपका डिजिटल राशन कार्ड। तो डिजिटल राशन कार्ड है क्या, इसकी क्या खूबियां हैं और इसमें क्या फीचर्स ऐड किए गए, हम सभी के बारे में बात करेंगे। बने इस वीडियो में लगातार, मैं उपम छागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। तो दोस्तों फुल डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर। अगर आप एक आम नागरिक हैं, हिमाचल प्रदेश के आप आम नागरिक हैं, तब भी आप अपना राशन कार्ड घर बैठे डिजिटल राशन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, वो भी मैं मेथड बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक सीएससी वैली हैं तो आपके लिए कैसे बेनिफिट होगा और क्या इसके फीचर्स होंगे उसके लिए मैं बता दूं। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिख देना अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर राशन, और जैसे राशन लिखेंगे तो राशन कार्ड आप लिख दिए लिखिएगा दोस्तों, और जो भी अगर स्मॉल लेटर हो तो स्मॉल, देखिए अभी नहीं आ रहा फिलहाल, रुको मैं यहाँ स्मॉल लेटर में लिखता हूँ राशन, और इसके बाद देखता हूँ क्या यहाँ पर आएगा। तो राशन अब जैसे लिखते हैं तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं आ रहा है, राशन कार्ड नहीं आ रहा है। तो आप सर्विसेज पर जाकर भी, या तो आप हिमाचल प्रदेश सर्च कर लें, या देखिए एचपी आप सिलेक्ट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश, तो शायद यहाँ पर आपका आ जाए हिमाचल प्रदेश का। देखिए राशन कार्ड प्रिंट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल, यहाँ क्लिक पर क्लिक करेंगे तो आप, अगर देखिए डिजिटल यहाँ पर इस वेबसाइट पर आएंगे तो डिजिटल सेवा लॉगिन के लिए बोलता है, तो आप डिजिटल सेवा लॉगिन पर क्लिक कर दें, और जैसे डिजिटल सेवा पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका सीएससी आईडी एंड ये सब कुछ आएगा, आपको प्रोसीड कर देना होगा, और जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका ये देखिए स्मार्ट राशन कार्ड प्रिंट ऑप्शन आता है, एक आता है व्यू रिपोर्ट। तो ये फिलहाल लिंक वर्क नहीं कर रहा था कल, आज मैं देख लेता हूँ, ओपन कर लिया है मैंने, आज भी वर्क नहीं कर रहा। अभी स्मार्ट कार्ड प्रिंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बोलता है इंटर राशन आधार नंबर, मतलब आपने जो भी राशन कार्ड में अपना आधार नंबर अटैच कराया तो उसको यहाँ पर इंटर करना है और कैप्चा डालकर सर्च करना है, तो आपका राशन कार्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर आप एक आम नागरिक है तो कैसे आप प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली आ जाना epds.co.in, ये वेबसाइट है, और यहाँ पर आएंगे तो देखिए ये प्रारूप आपको दिख रहा है राशन कार्ड का, और यहाँ पर आपको अगर प्रिंट करना है तो सिलेक्ट इनपुट टाइप, या तो आप आधार नंबर डालकर यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, या राशन कार्ड नंबर डालकर प्रिंट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज डालेंगे तो आपका डायरेक्टली राशन कार्ड ऐसे आएगा, उसको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आता है, इसके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए स्मार्ट राशन कार्ड में फीचर्स क्या क्या है, देखिए राशन कार्ड नंबर सबसे पहले आपका ऊपर डिस्प्ले होगा, एंड हेड ऑफ फैमिली का नेम होएगा, एंड एफपीएस आईडी होगी, ईपीएस नेम होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम होगा, ब्लॉक का नेम होगा, ग्राम पंचायत का नेम यहाँ पर आपको दिया होगा, एक टोल फ्री नंबर भी दिया होगा, और इसके बैक साइड में डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर, जितने भी उस फैमिली में लोग हैं उनका पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। तो ये राशन कार्ड्स के मुख्य फीचर्स क्या होंगे, अब मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता है तो मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बहुत ही जल्द लॉन्च कर दी है, बहुत ही जल्द ऑल इंडिया में वर्क करेगी। इसके तहत आपका पूरे देश में एक राशन कार्ड होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश सरकार अलग लॉन्च कर रही है, एमपी सरकार अलग कर रही है, यूपी सरकार अलग कर रही है, वहां पर एक राशन कार्ड होगा जिसको बोलेंगे डिजिटलीकरण, जैसा का आपका एटीएम कार्ड होता है इस टाइप का होगा। आप किसी भी रिटेलर की दुकान पर जाकर सामान लेंगे और आपकी सब्सिडी होएगी, या आपको अगर राशन कार्ड दिखाएंगे तो उस रेट पर आपको ये दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर यूपी के निवासी हैं तो आपको यूपी आकर ही आपका जो भी राशन मिलता है वो मिलने वाला है, लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप दिल्ली में ले लीजिएगा राशन, महाराष्ट्र में लीजिए, कहीं भी रहिएगा, आप अपने डिजिटल राशन कार्ड के थ्रू किसी भी दुकान से राशन ले पाएंगे। ये डिजिटल राशन कार्ड की बहुत ही बड़ी बेनिफिट्स होगी, ऐसे कालाबाजारी बहुत रुकेगी, और जो भी अभी अवैध चीजें होती वो सारे रुक जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन एंड ठोस कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये दोस्तों प्रिंट कैसे करना बता दिए, इसके फीचर्स क्या वो भी बता दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दें, साथ साथ वीडियो को, सॉरी चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।